राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ जिले में भी चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें आती है। जिले की 5 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो 2 सीट कांग्रेस के पास है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी मांडल विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की नीमबाहेड़ा विधानसभा सीट की। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से यहाँ उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा गया है, तो वही बीजेपी की ओर से श्रीचंद कृपलानी को उतारा गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर करीब 2,48,904 मतदाता थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,25,495 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 1,23,407 थी। इसमें से कुल 2,15,408 वोटर्स ने ही वोट डाले थे। नीमबाहेड़ा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। कांग्रेस की उदयलाल आंजना को 1,10,037 वोट मिले थे तो बीजेपी के श्रीचंद कृपलानी के खाते में 98,129 वोट आए और इस दौरान उदयलाल आंजना ने 11,908 भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं अगर 2023 में होने वाले चुनाव की बात करें तो वर्तमान में करीब यहां पर 2,73,024 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अगर जातिगत समीकरण पर गौर करें तो यहां पर धाकड़ वोटर्स की संख्या करीब 35,000, राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 15,000, अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या करीब 40,000, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 15,000, जाट वोटर्स की संख्या करीब 15,000, वैश्य वोटर्स की संख्या करीब 10,000, ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 50,000 और एससी एसटी वोटर्स की संख्या करीब 90,000 है। नीमबाहेड़ा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 2008 से लेकर अब तक हुए 3 चुनावों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में यहाँ पर 2 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी सिर्फ यहाँ पर 1 बार ही अपना खाता खोल पाई है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।